नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। खबरों को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर खबर की करंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आजमगढ़ में CAA, NRC व NPR को लेकर सर्वदलीय पार्टियों का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से वार्ता की और उनसे मांग की कि CAA के विरोध में जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसा दिया गया है। निर्दोष लोगों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज है, वापस लिया जाए। सर्वदलीय पार्टी के नेताओं द्वारा एक सभा करबला के मैदान में 21 तारीख को आयोजित किया जाना है। इसको लेकर भी जिन नेताओं ने जिलाधिकारी से वार्ता की, जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करें, अगर कोई भी उपद्रव होता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, CA, NRC, NPR ये सभी मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती देश पे थोपा है। देश रोटी कपड़ा मकान दवा इलाज और सड़क सुरक्षा सब मांग रहा है, इसकी आज आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पूंजीपतियों के लिए इस तरह के रास्ते पर ले जा करके देश को खड़ा कर दिया है कि आज देश मजबूर है कि इनका हम जवाब दें। हम जनता को बतावें कि असलियत क्या है, CA क्या है, NPR क्या है, NRC क्या है। इससे हमारे देश का भला होने वाला नहीं है, इससे देश का नुकसान होगा। इस नाते पूरी सभी दलों के लोग सब लोग मिल करके। मैं राजेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आज आजमगढ़ में हम लोग विभिन्न दलों के लोग जिलाधिकारी महोदय से मिल करके एक कार्यक्रम की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। इस देश की सरकार जो भ्रष्टाचार, भूख, भय और जो आम आदमी के बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटका करके और NCR और क्या क्या सब नई नई चीज़ें ला रही है, जिससे आम आदमी का कोई सरोकार नहीं है। उससे न उसकी भूख ख़त्म होनी है, न भ्रष्टाचार ख़त्म होना है, न समस्याएं ख़त्म होनी है। तो पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बुनियादी मुद्दों से पूरी पब्लिक को भटका करके और बिना मतलब के मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करा करके और पूरे देश में एक भय का माहौल पैदा किया। सर, आज NRC और CA के विरोध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि ये जो प्रतिनिधिमंडल है ये सब लोगों का है, और यहाँ आजमगढ़ में 21 जनवरी को करबला के मैदान में एक विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, CA के संबंध में, NRC के संबंध में, NPR के संबंध में। और उसी सिलसिले में हम लोगों ने मुलाकात करके DM साहब को सूचना दे दी है और इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। ये एक बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा और इसके ज़रिए से हम ये संदेश देंगे कि देश की असल समस्याएं क्या हैं और इन समस्याओं में किस तरह से उलझा करके जो मरकजी सरकार है वो जनता के साथ धोखा दे रही है, उसके साथ विश्वासघात कर रही है। तो पूरी ताकत के साथ सब लोग मिलकर के जनता की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं 21 तारीख को करबला के मैदान में। उसी के सिलसिले में हमने सूचना DM महोदय को दे दी है। क्या बताया DM साहब ने? DM साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है और शांतिपूर्वक प्रोग्राम करने का ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है, ये सबको मिलना चाहिए। हम इसको जो है बढ़ा देंगे आगे और उम्मीद है कि हमको पूरी अनुमति मिलेगी, हम ये कार्यक्रम करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ TV20 न्यूज पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।